हेलो दोस्तों, ये आज मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो कविता सुनाने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो कविता है, ये जो भारत का एक शहर है जो बिल्कुल नज़ाकत, अंदाज और तहजीब का शहर माना जाता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये मैं लखनऊ की बात कर रहा हूँ। तो लखनऊ एक शहर ही नहीं, लखनऊ एक उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की शान है। तो लखनऊ से चूंकि मेरा कुछ संबंध ज़्यादा है, लखनऊ मेरा ससुराल भी है, तो इसलिए कुछ यादें थोड़ी सी और ज़्यादा ताज़ा हो जाती हैं। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ ये कविता जो कि मैंने बहुत समय के बाद लिखी है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। इस कविता का शीर्षक जो मैंने दिया है वो दिया है सर्दी की धूप और लखनऊ। सर्दी के मौसम में अगर आप लखनऊ कभी गए हों तो शायद आप समझेंगे कि लखनऊ का अंदाज, लखनऊ शहर अपने आप में बिल्कुल बदल जाता है। तो मैंने लखनऊ में दो तीन सर्दियां बिताई हैं, तो मैं उसको समझ सकता हूँ कि लखनऊ वाले कितना इसका आनंद उठाते हैं, लखनऊ की सर्दी का। तो मैं शुरू करता हूँ कविता। वो सुनहरी सी धूप, थरथराते होंठ और तुम। अब ये जो और तुम मैंने बोला है, इसका मतलब कुछ और मत निकालिएगा, ये लखनऊ शहर के लिए बोला है। वो गर्म चाय की चुस्की, अब आप चौक में चले जाइए, आपको बढ़िया बंद मक्खन और चाय का मजा आप ले सकते हैं। वो गर्म चाय की चुस्की, वो लाल मफलर और तुम। वो देर तक सोना, पकड़ कर कोना, ख्यालों में खोना और तुम। वो बंद मक्खन, चचा की अचकन, बड़ों में बचपन और तुम। वो मूंगफली नमक, वो भीड़ भरी सड़क, दोस्तों की मस्ती और तुम। अमीनाबाद की कुल्फी, टुंडे के कबाब, छोटे बड़े नवाब और तुम। चौक के गलियारे फिर से पुकारे, वो कटोरी चाट के चटकारे और तुम। लखनऊ की भूल भुलैया, नजाकत, अंदाज, तहजीब और तुम। मंदिर में घंटे गूंजे, मस्जिद में अजान। लखनऊ शहर नहीं है, लखनऊ है हिंदुस्तान की शान। तो मैंने कोशिश की है कि जितना भी मैंने लखनऊ में देखा है, जितना भी मैंने महसूस किया है, वो सभी आपको इसके द्वारा बताऊं। और आशा करता हूं कि मैं ये संदेश आप तक पहुंचाने में शायद सफल रहा हूं। तो एंजॉय कीजिए इस कविता को, और कभी मौका मिले तो लखनऊ में सर्दी में ज़रूर जाइएगा। मेरा विश्वास है कि वो चौक, वो अमीनाबाद और जो गंज और क्या कहते हैं मोती महल के जो मिठाइयाँ हैं वहाँ पर, जो कटोरी चाट है, वो आपको बिल्कुल लुभाएगी और आपको उसका बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा आनंद उठाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।